हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल आरतीज लाइफस्टाइल में। आज हम अर्ली मॉर्निंग निकल पड़े हैं दिल्ली के ताजमहल को देखने, यानी कि हुमायूंस टूम। हुमायूंस टूम बना हुआ है दिल्ली के निजामुद्दीन एरिया में, जो कि इंडिया गेट के बहुत पास है। रिनोवेशन के चलते हुमायूंस टूम की पार्किंग अभी बंद है। आप यहां पर अपने व्हीकल्स को सुंदर नर्सरी की पार्किंग में पार्क कर सकते हैं। यहाँ की टिकट प्राइस इज ₹35 पर पर्सन। आप बहुत ही आसानी से ऑनलाइन टिकट परचेज कर सकते हैं asipayumoney.com से। हुमायूंस टूम हफ्ते के सातों दिन सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला होता है। आज हम आए हैं दिल्ली के हुमायूंस टूम पर, जिसको दिल्ली का ताजमहल भी कहते हैं। तो चलिए इसे घूमकर देखते हैं। हुमायूं का मकबरा ताजमहल से 60 साल पहले बना था। ये भारत का पहला उद्यान मकबरा है, जिसे गार्डन टूम भी कहते हैं। इसे 16वीं शताब्दी में मुगल सम्राट हुमायूं की स्मृति में उनकी पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था। इस मॉन्यूमेंट को 1993 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। ये है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं के मकबरे के अलावा यहाँ कई और कब्रें भी हैं। इस मॉन्यूमेंट के चारों ओर 4 गार्डन्स बने हुए हैं, जो कि बहुत ही वेल मेंटेन्ड और खूबसूरत हैं। जब भी आप इस मॉन्यूमेंट को विजिट करें, मॉन्यूमेंट के साथ साथ यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को भी एंजॉय करें। इस मकबरे की संरचना इस्लामिक और पर्शियन वास्तुकला का मिश्रण है। हिस्टोरियंस का मानना है कि ताजमहल का बेसिक डिजाइन हुमायूंस टूम से ही इंस्पायर्ड है। इस टूम में हुमायूं से लेकर उसके ग्रेट ग्रैंडसन दारा शुको को मिलाकर 150 मुगलों की कब्रें हैं। इस व्लॉग को बनाते समय एक इंटरेस्टिंग जानकारी जो मुझे मिली, वो है इसके फिनेल या हिंदी में इसके कलश के बारे में। मई 2014 में दिल्ली में जो तूफान आया था, उस तूफान में ये कलश टूटकर गिर गया था। आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर, ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और टाटा ट्रस्ट के तनिष्क ब्रांच ने इसकी जिम्मेदारी ली नए सिरे से इसे बनाने के लिए। इस 18 फुट ऊंचे कलश को 22 कैरेट गोल्ड से रिस्टोर किया गया, जिसमें 3.5 किलो गोल्ड डला हुआ है।
इस रेस्टोरेशन के दौरान सिर्फ हुमायूं टूम के कलश को ही नहीं, हुमायूं टूम के हर उस जगह को रिपेयर किया गया जहां समय के साथ साथ ये टूम खराब हो रहा था। अगर आप दिल्ली के हुमायूं टूम को देखने आते हैं तो यकीन मानिए ये आगरा के ताजमहल से कुछ कम नहीं लगेगा। अब चलते हैं इस मॉन्यूमेंट के दूसरे हिस्से की तरफ जो है ईसा खान का टूम्ब। ईसा खान का टूम्ब हुमायूं टूम्ब का हिस्सा नहीं है बल्कि ये हुमायूं टूम्ब के बनने से 20 साल पहले बना था। इस टूम्ब के अंदर तो नहीं जा सकते पर बाहर से इस टूम्ब को देख सकते हैं। इसके आसपास का गार्डन भी काफ़ी सुंदर है। ईसा खान का मकबरा बना हुआ है रेड सैंडस्टोन का। ये बना था 1547 में। ईसा खान नियाजी शेर शाह सूरी के कोर्ट में ऊंचे पद पर थे। उन्होंने ही सबसे पहले मुगलों के अगेंस्ट फाइट किया था। अब हम जा रहे हैं इस टूम के दूसरे हिस्से में जो है यहाँ की पुरानी मस्जिद। इसे ईसा खान की मस्जिद के नाम से जाना जाता है। अगर आप हुमायूं टूम विजिट करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से सुबह का समय सबसे बढ़िया है और अगर आप इस तरफ आएं तो सुंदर नर्सरी विजिट करना बिल्कुल न भूलें। अगर आप में से किसी ने हमारा सुंदर नर्सरी पर व्लॉग नहीं देखा हो तो उसका लिंक ऊपर दिया हुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।